भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति राधास्वामी बाग स्थित एक निजी स्कूल में आयोजित की गई, जिसको संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी एवं राष्ट्रीय सचिव विजयताई राहटकर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब कल्याण को समर्पित है, दलित और वंचित के उत्थान को समर्पित है, युवाओं को रोजगार, महिलाओं व दिव्यांगों को सशक्त करने को समर्पित है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हमें सरकारी योजनाओं को गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुंचाना होगा। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय होकर सरकारी योजनाओं का लाभ सर्वस्पर्शी बने ऐसा प्रयास करना होगा। इससे पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम शर्मा ने कार्य समिति का प्रस्ताव सत्र में प्रस्तावित भाषण रखा, जिसमें पार्टी का राजनीतिक प्रस्ताव, आगामी कार्य योजना, अब तक के कार्यक्रमों की समीक्षा पर उनका ओजस्वी उद्बोधन रहा। कार्यक्रम में सीकर लोकसभा से पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने भी अपना संबोधन दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कार्यों पर अपना वक्तव्य दिया। शाहपुरा से भाजपा प्रत्याशी उपेन यादव ने राजस्थान सरकार को युवाओं की सरकार बताया। शाहपुरा से पूर्व विधायक रहे आलोक बेनीवाल ने सरकार के किसान कल्याण के कार्यों पर प्रकाश डाला। जिला प्रमुख रमा चोपड़ा ने सरकार द्वारा महिला उत्थान के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। जिला उपाध्यक्ष रत्न कुमारी ने महिलाओं को दिए गए तृतीय श्रेणी में 50% आरक्षण पर अपना वक्तव्य रखा। जिला महामंत्री गोपाल अग्रवाल ने आगंतुकों का स्वागत किया। जिला महामंत्री ब्रजेश सोनी ने कार्यक्रम के समापन पर स्मृति चिन्ह भेंट किए। कार्यक्रम में जयपुर देहात उत्तर के मंडल अध्यक्षों समेत बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जिला प्रभारी सतवीर यादव, पूर्व प्रधान रघुवीर चौधरी, गुड्डू सैनी, पावटा प्रधान पूजा चौधरी, जिला उपाध्यक्ष एवं पूर्व प्रधान सीता चौधरी, जालसू प्रधान हरदेव यादव समेत पूरी जिला कार्यकारिणी, भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए प्रधान, उप प्रधान शामिल हुए। चौमू के जिला मंत्री श्रवण सैनी, विधि प्रकोष्ठ के संयोजक सुरेश गोदारा, युवा मोर्चा महामंत्री ओम प्रकाश भूरी, किसान मोर्चा के दिनेश सैनी, जिला मंत्री ताराचंद चौधरी ने भी सभी कार्यकर्ताओं के लिए भोजन व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था व मंच संचालन का सफल संचालन किया। जिला मीडिया प्रभारी दीपक शर्मा ने मंच का संचालन किया। मैंने माननीय वित्त मंत्री जी का पूरा बजट भाषण टीवी पर सुना और जिस प्रकार का बजट दिया है, कांग्रेस पार्टी को ये कहना पड़ा ये तो हमारी घोषणा पत्र की नकल है, अर्थात उनके पास आलोचना के लिए कुछ नहीं बचा। अखिलेश यादव ये कहते हैं, जैसा आपने आंध्र प्रदेश को बहुत कुछ दे दिया, यद्यपि सारे देश को दिया है, तो इस अवसर पर मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारी वित्त मंत्री सामान्य निर्मला सीतारमण का एक बहुत अच्छा बजट देने के लिए बहुत बहुत आभार करता हूँ। वैसे बात केंद्र की है, आज हमारा केंद्र का संकल्प आया कि संकल्प का वर्णन अगर हम एक लाइन में करते हैं तो इस साल का जो अर्थ संकल्प हमने किया, ये अर्थ संकल्प आने वाले 5 साल को लेकर चलने वाला ऐसा दिशा दर्शी अर्थ संकल्प आज प्रधानमंत्री ने दिया, इसके ऊपर स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही है। मुझे आपके साथ कुछ और बात करनी है। अब देखिए कि जनता ने आशीर्वाद दिया, इसलिए सन 2014 हो, 2019 हो या अब 2024 हो, आप सभी ने काम किया, जनता ने आशीर्वाद दिया, इसलिए हम सुनकर आए और तीसरी बार हमने अपनी सरकार बनाई। अपने आप में यह बहुत बड़ी गौरवशाली बात है, देश के इतिहास में मात्र दूसरी बार ये
आज हमारे जयपुर देहात उत्तर की जिला कार्य समिति संपन्न हुई है, जिसमें हमारी मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश की सह प्रभारी आदरणीय विजयताई जी रही, उनका मार्गदर्शन रहा, और पूरे जयपुर देहात उत्तर के सभी मंडल अध्यक्ष 27 मंडलों से वहाँ यहाँ पहुँचे हैं, और लगभग 460 से अधिक कार्यकर्ता यहाँ पे का रजिस्ट्रेशन किया गया है। लगभग संख्या अभी मैं चेक करूँ 520 के आसपास पहुँच गई है। ऐसे पूरे जयपुर देहात उत्तर की 6 विधानसभाओं से भारी संख्याओं में कार्यकर्ताओं का उत्साह यहाँ पे देखने को मिला है। ये हमारी जिले की कार्य समिति प्रस्तुत की गई है, जिसमें हमारा राजनीतिक प्रस्ताव, जिले के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं और आगामी कार्यक्रमों को लेकर योजना बनाई गई। इसमें जो हमारा केंद्रीय बजट आया है, उसमें जो हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो हमारा राज्य का बजट है उसमें जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन विषयों को लेकर के, इसके अलावा हमारे जो जयपुर देहात में विधानसभाओं में जो कोई समस्या है उन पर भी हमने चर्चाएं की हैं कि निश्चित रूप से हम सरकार के माध्यम से आम जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, इसके लिए इस कार्य समिति में प्रस्ताव पारित किया। यहाँ पर जिला की कार्य समिति थी और कार्य समिति में कार्यकर्ताओं के द्वारा 2 प्रस्ताव भी रखे गए। प्रधानमंत्री जी का 3री बार सरकार बनाने के लिए और फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए अभिनंदन का प्रस्ताव भी रखा गया। उसी के साथ साथ अभी अभी आज ही केंद्र का बहुत अच्छा बजट आया है, इस बजट का हमने यहाँ पे स्वागत भी किया, और कुछ दिन पहले राजस्थान सरकार का आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस सरकार का भी काफ़ी अच्छा बजट आया है। उस बजट के बारे में भी हमने चर्चा करी और यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि दोनों बजट को हम लोगों तक लेकर जाएंगे और उस बजट के बारे में जिन जिन को उपयोग हो सकता है उन सभी के पास हम जाएंगे। आज इस कार्य समिति में हमने ये भी देखा है कि इसके ऊपर भी हमने चर्चा करी है कि जिस तरीके से कांग्रेस और विपक्षों ने फेक नैरेटिव बनाया है, इस फेक नैरेटिव के खिलाफ हम लड़ेंगे। झूठ कोई बहुत आखिरी तक टिक नहीं पाता है, झूठ का जो बलून होता है मात्र एक पिन लगाने से तुरंत फूट जाता है, टूट जाता है, और कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि फेक नैरेटिव के खिलाफ हम लड़ेंगे। जो खुद संविधान के हत्यारे हैं, इन हत्यारों के खिलाफ हम लड़ेंगे। हमेशा हमने संविधान की रक्षा भी करी है और हमने संविधान का सम्मान भी किया है। ये सम्मान तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती आई है, पर कांग्रेस को आज सवाल है कि जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगा के संविधान को तकलीफ दे दी, संविधान को बहुत ही खराब तरीके से मरोड़ तोड़ के उन्होंने लोगों के सामने पेश किया, उस कांग्रेस का हम क्या करें। जिस कांग्रेस ने 90 बार राज्य सरकारें बर्खास्त करी और संविधान की मोड़ तोड़ करी, उसके बारे में उनका क्या कहना है, उनका क्या जवाब है। और उसी के साथ साथ एक बार, 10 बार, 20 बार नहीं, 117 बार संविधान में बदलाव किए, जो मूल संविधान में जो शब्द नहीं थे उस शब्दों को आपने उसमें घुसेड़ दिया, उसके बारे में उनका क्या कहना है, इसका उनका क्या जवाब है। अगर आप अच्छा काम नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने काम तो कुछ नहीं किया, पर फेक नैरेटिव के माध्यम से लोगों के सामने गए हैं, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता देगा, उनको नैरेटिव को भी जवाब देगा, और जो हमने सेवा का काम किया है इस सेवा को काम को हम लोगों तक लेकर जाएंगे। इसी तरीके से आज की ये कार्य समिति संपन्न हो गई है। मुझे विश्वास है कि राजस्थान में हर जगह पे ऐसी जिला की कार्य समिति हो रही है, हमारा पूरा हर एक जिला यूनिट बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। मैं हमारे अध्यक्ष श्याम शर्मा जी का और उनके टीम का इस यशस्वी कार्यकारिणी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ।